नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे, लाडली बहनों से बंधवाई राखी। उज्जैन के पास क्षेत्र के रघुनंदन गार्डन में सैकड़ों महिलाओं के साथ मनाई राखी। यूनिसेफ ने की मोहन सरकार की तारीफ, सैनिटेशन और हाइजीन योजना को बताया अनूठी पहल। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रही है ये योजना। 21 अगस्त को भोपाल में होगी बीजेपी की बड़ी बैठक, कोर ग्रुप के अलावा सभी सांसद और अन्य पदाधिकारी भी होंगे शामिल। कई रणनीतियां की जाएंगी तैयार। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज बहनों से बंधवाई राखी, कहा बहनों के इस प्रेम और स्नेह से हृदय में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। पवित्र राखी हमें बहनों की रक्षा करने की प्रेरणा भी देती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का लगातार दूसरे दिन भी बुधनी विधानसभा का दौरा जारी। बुधनी के भेरूंदा में तिरंगा रैली में होंगे शामिल। आम सभा को संबोधित करने के साथ लाडली बहनों से बंधवाएंगे राखी। इंदौर में 10 साल के बच्चे आदित्य तिवारी का वीडियो हुआ वायरल। आदित्य गाना गाकर लोगों को करते हैं जागरूक, यातायात के नियमों के पालन करने का देते हैं संदेश। रक्षाबंधन के त्योहार के दिन भोपाल में महिलाओं के लिए बस में सफर रहेगा मुफ्त। महिलाओं को आने जाने के लिए पूरे दिन की सुविधा मुफ्त में महापौर ने देने का किया ऐलान। रक्षाबंधन पर बहनों को बड़ी सौगात, बहनों के सफर को आसान बनाने के लिए रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए बस रहेगी फ्री। महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने सभी महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। भोपाल में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। नई धारा लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर का पहला आदेश, शहर में आने जाने वाले अस्थायी निवासरत शख्स की जानकारी देना जरूरी। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के तहत राज्य सरकार से केंद्र ने मांगी जानकारी। एमपी सरकार के पास मैचिंग ग्रांट की जानकारी देने के लिए 31 अगस्त तक का समय। 180 करोड़ मैचिंग ग्रांट और 55 करोड़ इंटरेस्ट को भी एसएनए अकाउंट में करना होगा जमा। भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद हड़ताल को किया खत्म। कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ बर्बरतापूर्ण बलात्कार और उसकी हत्या से गुस्साए थे डॉक्टर, दो दिन से कर रहे थे काम बंद हड़ताल। मध्य प्रदेश में करीब 15 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलेगा बोनस। 115 करोड़ का बोनस देने की तैयारी में सरकार, दिसंबर की जगह अगस्त में ही बचेगा बोनस। मध्य प्रदेश में सड़कों पर अब नहीं दिखाई देंगे आवारा मवेशी। 15 दिन में अभियान चलाकर हटाए जाएंगे सड़कों से मवेशी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आवारा पशु नियंत्रण के लिए समिति भी बनाई। पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान आया सामने, कहा ये राजनीति की बात है, इस मामले को बीजेपी जिस तरह उठा रही है वह गलत है। रक्षाबंधन के अवसर पर बाजारों में दिख रही रौनक, जबलपुर के बाजार में राखी समेत कई सामानों से सजे। एक राखी सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है, राखी पर राम नाम लिखा है। ग्वालियर में हड़ताल हुई खत्म, जूनियर डॉक्टर काम पर वापस लौटे। कोलकाता की घटना के खिलाफ कर रहे थे काम बंद हड़ताल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हड़ताल हुई खत्म। खबर सिंगरौली से, जहां सड़क नहीं होने से पीपरखाड़ के हजारों आदिवासी परिवारों का जिला मुख्यालय से टूट जाता है संपर्क। इन गांव के ग्रामीण पिछले 10 सालों से सड़क निर्माण की रख रहे हैं मांग। सिंगरौली में एनसीएल में सीबीआई का छापा, एनसीएल सीएमडी के पीए समेत ठेकेदार रवि सिंह पर पड़ा छापा। ठेकेदार रवि सिंह के घर और दफ्तर पर मारा गया छापा, ठेकेदार रवि सिंह को किया गिरफ्तार। मुरैना जिले के बिंदवा तहसील की सड़कें दलदल में हुई तब्दील, हादसों को दे रही न्योता, प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। मुरैना में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई आई सामने। मिलावटी पनीर बनाने वाले कारोबारी पर खाद्य विभाग की छापेमारी, करीब 500 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया गया। मुरैना में शिक्षक की लापरवाही आई सामने, समय से लेट आते हैं सारे शिक्षक, क्लास और प्रेयर के समय को भी बदल दिया जाता है। मामला गांव जिगनी प्राथमिक विद्यालय का है। ग्वालियर के नलकेश्वर मंदिर के कुंड में नहाने उतरे एक नाबालिग छात्र की डूबने से हुई मौत।
अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था छात्र, हादसे के बाद वहां से छात्र भागे। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में इलाज के दौरान एक वृद्ध महिला की हुई मौत। कोलकाता रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टर्स कर रहे प्रदर्शन, प्रदर्शन का स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा गहरा प्रभाव। इंदौर में सोने और चांदी की राखियों को लेकर बड़ा क्रेज। सराफा में सोने चांदी की राखी की अलग अलग वैरायटियां मौजूद, एक से बढ़कर एक सुंदर राखियां यहां मौजूद हैं। इंदौर के निजी अस्पताल में एडमिट चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध मरीज की हुई मौत। एक सप्ताह पहले सैंपल पुणे लैब में भेजे गए थे, अब तक नहीं आई थी रिपोर्ट। युवक की मौत के बाद खरगोन के स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। इंदौर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रशासन पर गोली चलाने वाले आरोपी के अवैध निर्माण पर चलाया गया बुलडोजर। नगर निगम ने अवैध निर्माण को लेकर सुरेश पटेल को दिया था नोटिस। इंदौर के सराफा में ज्वेलर्स की दुकान पर बैठी पार्लर संचालिका के बैग से हार हुआ चोरी। हार चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। फुटेज के आधार पर सूट पहनी संदिग्ध महिला की पुलिस कर रही है तलाश। इंदौर में पशुपालकों के अवैध बाड़ों के खिलाफ अभियान जारी। वैशाली नगर से अवैध बाड़े को हटाने की कार्रवाई, दो अन्य अवैध बाड़ों को भी नगर निगम की टीम ने वहां से हटाया। श्योपुर के जिला अस्पताल में मरीज ने किया जमकर हंगामा। नशे में धुत मरीज हाथ दर्द के लिए पहुंचा था अस्पताल, जांच करवाने की जिद पर अड़ा रहा। श्योपुर में जय दुर्गे स्लीपर बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। अनियंत्रित होकर पुलिया में घुसी बस, हादसे में 7 लोग हुए घायल। जयपुर से लौटते वक्त हुआ यह हादसा। छिंदवाड़ा की बहनों ने बॉर्डर पर जवानों के लिए भेजी राखी। सरहदों में तैनात फौजी भाइयों की सलामती की दुआओं के साथ 6500 रक्षा सूत्र स्पीड पोस्ट किए गए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिखाई दरियादिली। रोड पर घायल महिला को अपने काफिले की एम्बुलेंस से पहुंचाया अस्पताल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से रेहटी जा रहे थे। सीहोर में गुंडों के हौसले हुए बुलंद। आदिवासी युवक को बदमाशों ने बुरी तरह से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। भैरुंदा के बलाजीपुरम कॉलोनी की बताई जा रही घटना। मंदसौर के पेट्रोल पंप पर हुआ बड़ा हंगामा। बदमाश पेट्रोल पंप संचालक के साथ मारपीट करते आए नजर। शिकायत के बाद पुलिस ने 9 में से 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अन्य की तलाश अभी भी जारी है। नरसिंहपुर जिले में एक युवती के साथ गैंग रेप का मामला आया सामने। युवकों ने युवती से पहले दोस्ती की और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर 3 लोगों ने गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। केशकाल में NH-30 की बदहाल स्थिति पर फूटा जनता का गुस्सा। स्थानीय नगरवासी नीरज अग्निहोत्री, विजय मिश्रा और उमा गुप्ता को पुलिस ने किया नजरबंद। आक्रोशित होकर चक्का जाम करने सड़क पर उतरी केशकाल की जनता। रीवा में बाइक की हुई चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बदमाशों ने शातिर तरीके से बाइक का लॉक तोड़कर दिया चोरी की वारदात को अंजाम। नीमच के सगराना घाटी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। पिकअप और पुलिस की गाड़ी को आयशर ट्रक ने मारी टक्कर। पुलिस गाड़ी में सवार ड्राइवर समेत 3 पिकअप सवार की हुई मौत। जशपुर में 2 अलग अलग जगहों से आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। खेत में काम के दौरान 3 लोग आए आकाशीय बिजली की चपेट में। सन्ना थाना क्षेत्र की बताई जा रही घटना। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर सचिन पायलट ने किया एक्सपर्ट पोस्ट। गिरफ्तारी को बताया निंदनीय। कहा, हम सभी देवेंद्र यादव जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। भाजपा प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने किया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला। बोली, भूपेश बघेल की सत्ता से विदाई के बाद सिद्धारमैया गांधी परिवार के नए ATM मशीन है। कवर्धा में 2 नक्सली आत्मसमर्पण के बाद बने आरक्षक। दिवाकर के ऊपर 8 लाख तो तिजू के ऊपर 5 लाख रुपए का था इनाम। MMC जोन में थे दोनों ही नक्सली सक्रिय। आरक्षक बनने के बाद कबीरधाम में किए गए पदस्थ। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ का प्रदर्शन जारी। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं वन विभाग के कर्मचारी। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू। बालोद जिले के देवरी गांव के रहने वाले पर्यावरण प्रेमी की अनोखी पहल।
वेस्टेज पदार्थ और साड़ियों से तिरंगे के तीन रंग देकर लगभग 4.5 फीट राखी की तैयार। राखी की पंखुड़ियों पर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश भी लिखा। कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 21 अगस्त को प्रदेश भर के जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में किया जाएगा ये प्रदर्शन। 20 अगस्त को कांग्रेस विधायक दल की होनी है बैठक। बेमेतरा में किया गया विश्व आदिवासी कार्यक्रम का आयोजन, विधायक दीपेश साहू मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। आदिवासी समाज के छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और शील्ड भेजकर किया गया सम्मानित। बालोद में भीख मांगने आई महिला ने अकेली महिला से की लूट, बहला फुसलाकर मांगे हजारों रुपए और जेवरात। कोतवाली थाना क्षेत्र के मनौत गांव की घटना। विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, पुलिस सोच समझकर कार्रवाई कर रही है। मुंगेली के निजी अस्पताल का बड़ा कारनामा आया सामने, महिला की सहमति के बगैर अस्पताल प्रबंधक ने किया गर्भपात। महिला ने लगाया आरोप, कहा दहेज लोभी सास ससुर ने चेकअप कराने के बहाने करा दिया मेरा अबॉर्शन। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का पलटवार, कहा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी को सोचना चाहिए, समाज को लड़ाने का काम कौन कर रहा है। बलौदा बाजार की घटना में उकसाऊ भाषण किसने दिया। देवास के आनंद भवन पैलेस में गुरुदेव रावतपुरा सरकार के सानिध्य में आयोजित अनुष्ठान कार्यक्रम, पंडितों का साल श्रीफल देकर किया सम्मान। चतुर्मास अनुष्ठान कार्यक्रम में लगातार उमड़ रहा जनसैलाब। बिलासपुर के सिलपहरी में 9 गायों की हुई मौत, कलेक्टर ने एसडीएम की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की बनाई टीम। टीम ने किया सिलपहरी गांव का दौरा, ग्रामीणों और पशुपालकों से दुर्घटना के संबंध में की चर्चा। छत्तीसगढ़ में मॉनसून हुआ सक्रिय, सुबह से राजधानी रायपुर में छाए बादल, प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रही रुक रुक के बारिश। बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को मिल रही राहत। अलीराजपुर में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, चंद्रशेखर आजाद नगर में बाइक चोरी करते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा बहुत दिनों से पुलिस जांच कर रही थी, गिरफ्तारी के दौरान देवेंद्र यादव का श्वेत ध्वज लहराना गलत। रायपुर पश्चिम विधानसभा में आज विशाल कांवड़ यात्रा का किया गया आयोजन, बुढ़ियारी से कांवड़ यात्रा निकालकर महादेव घाट के हटकेश्वर नाथ मंदिर तक गई, भारी संख्या में कांवड़ यात्री इस कार्यक्रम में हुए शामिल। झारखंड की राजनीति में हो सकता है बड़ा उलटफेर, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक चंपई सोरेन के साथ 3 जेएमएम विधायक भी दिल्ली हुए रवाना। सूरजपुर में एक्शन मोड में दिखा खाद्य विभाग, विभिन्न होटलों में की गई छापामार कार्रवाई, होटलों से खाद्य सामग्रियों और मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए हैं। सूरजपुर में हुए चोरों के हौसले बुलंद, अधिकारियों की कॉलोनी में हुई चोरी की घटना, एक रात में 8 घरों में चोरों ने बोला धाबा, लाखों के जेवर और नकदी पर किया अपना हाथ साफ। संभाग स्तरीय कराटे प्रतियोगिता के लिए बलौदाबाजार जिले से 39 खिलाड़ी हुए चयनित, शासकीय गजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिला स्तरीय खेलों का हुआ था आयोजन, जिसमें हुई चयन प्रक्रिया। सूरजपुर के प्रतापपुर ब्लॉक के 12 होटलों में हुई जांच, मिलावटी बूंदी रखने पर एक होटल संचालक पर किया एक्शन, 20 किलो मिलावटी बूंदी को किया गया नष्ट, खाद्य विभाग की टीम का एक्शन। निवाड़ी में मवेशी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटा वाहन, 7 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर, चारों को गंभीर हालत में झांसी स्वास्थ्य केंद्र के लिए किया गया रेफर। सरगुजा के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत हुई खराब, बरकेला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट की गई नियुक्ति, बावजूद उसके वार्ड बॉय मरीजों को बांट रहे दवा। गरियाबंद में स्वदेशी राखी अपनाने की मुहिम, बहनों ने 50,000 राखियां की तैयार, आजीविका मिशन के बिहान से जुड़ी है महिलाएं। बालोद में एक बार फिर डायरिया ने पसारा पैर, डायरिया की चपेट में पलारी गांव के ग्रामीण, डायरिया से एक महिला की हुई मौत, 20 से ज्यादा लोग हुए डायरिया के शिकार।
सूरजपुर में जंगली जानवर ने किया बकरियों पर हमला। हमले में एक बकरी की हुई मौत, एक घायल। ग्रामीण जता रहे तेंदुए के हमले की आशंका। कोरबा के जिला मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की हड़ताल से महिला को नहीं मिला इलाज। उसकी हुई मौत। थायराइड टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर से साइन लेने के लिए परिजन घूमते रहे। महिला की मौत के बाद परिजन ने जताया आक्रोश। नौगांव में हुई खाद एवं औषधि विभाग की कार्रवाई। दिल्ली से छतरपुर आ रहे नकली मावे पर मारा छापा। 6 लाख की कीमत का नकली मावा किया जब्त। सीहोर कावड़ यात्रा में भीड़ के कारण प्रशासन ने डाइवर्ट किया भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे। भीड़ होने के बाद प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। चित्रकूट में खुदाई के कारण सड़क के साथ धसी बस। बड़ा हादसा होने से चला। पाइपलाइन का निर्माण करने वाली केएसी कंपनी की लापरवाही आई सामने। अंबिकापुर के मैनपाट में नदी पार करते समय पति पत्नी बहे। पत्नी की हुई मौत। 1 किलोमीटर दूर मिला शव। नदी पर पुल नहीं बने होने से हुआ हादसा। गरियाबंद में दिखा हिरणों का झुंड। जामगांव कोसमखूंटा गांव के करीब दिखे हिरण। 30 से ज्यादा हिरणों के होने की आशंका। अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 हुआ जर्जर। पुलिस के ऊपर हुए बड़े बड़े गड्ढे। दे रहे हादसों को न्योता, जिम्मेदार रहे बेखबर। कुंठपुर में महिलाओं ने हाथ से बनाई राखियां। आजीविका मिशन बिहान के तहत बनाई जा रही राखियां। स्वयं सहायता समूह की बनाई राखियां बनी आकर्षण का केंद्र। बिलासपुर में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से महिला की हुई मौत। रतनपुर थाना क्षेत्र के कलामीचार का मामला। इंजेक्शन लगाने से हुई खून की उल्टी। जिले में 1 महीने में 3री घटना। बलौदा बाजार में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई आई सामने। होटलों और दुकानों का किया निरीक्षण। 55 सैंपल को भेजा गया लैब। सुरक्षा व्यवस्था न होने पर 7 प्रतिष्ठानों को नोटिस किया जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे अहमदाबाद। ऑक्सीजन पार्क और झील का किया उद्घाटन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। झारखंड की गरमाई सियासत के बीच आया पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बयान। कहा हम अपने निजी काम के लिए दिल्ली आए हैं, अभी हमारा किसी से मुलाकात नहीं करना है। कोलकाता में डॉक्टर की बलात्कार और हत्या मामले पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा कलकत्ता हाईकोर्ट की सिफारिशों पर यह मामला सीबीआई को सौंपा गया है। सीबीआई लगातार पूछताछ में जुटी है। उत्तर प्रदेश में लगाया गया रोजगार मेला। युवाओं को रोजगारी देने की ओर बढ़ाया कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार मेले में उपस्थित लोगों से की मुलाकात। आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा की बैठक। भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना बोले भाजपा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर गई है। गुलाम नबी आजाद को फिर साथ लाना चाहती है कांग्रेस। जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी से गठबंधन की कोशिश। कहा भाजपा को हराना मकसद। रक्षाबंधन पर रामजन के साथ नेता भी मना रहे त्योहार। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने भी बनाई राखी। अर्जुनदास कैंप लक्ष्मीबाई नगर सरोजनी नगर में सेवा बस्ती की बहनों के साथ मनाया रक्षाबंधन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड पर निर्भया की मां का आया बयान। कहा मुझे नहीं लगता कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कुछ काम हुआ है। राजस्थान के 100 हॉस्पिटलों को बम से उड़ाने की दी धमकी। मेल में लिखा अस्पताल में सभी मारे जाएंगे। पहले भी मिली थी धमकियां, गलत साबित हुई। फिलहाल प्रशासन अमला अलर्ट। फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इम्तियाज अली ने की हाईवे में आलिया भट्ट की शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ। बोले शुरुआत में उन्हें इस फिल्म में लीड रोल में नहीं लेना चाहते थे। फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन जैसी किसी मैच्योर अदाकारा को करना चाहते थे कास्ट। स्त्री 2 ने टिकट खिड़की की लौटाई रौनक। फिल्म को मिल रहा दर्शकों से भरपूर प्यार। पहले 2 ही दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा केस में कोर्ट ने शो के पक्ष में सुनाया अपना फैसला। कहा किसी भी शो के कंटेंट के कैरेक्टर की नकल एआई फोटो और एनिमेटेड वीडियो मेकर्स के अलावा कोई नहीं बना सकता है। स्प्लिट्सविला सीजन 15 की कंटेस्टेंट रह चुकी कशिश कपूर इन दिनों सुर्खियों में है। बिग बॉस 18 में जाने से लेकर अपने शो स्प्लिट्सविला 15 तक के बारे में कर रही है बात। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से बढ़ती उम्र के साथ काम को मैनेज करने पर पूछा गया सवाल। कहा मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है।
सिवाय इसके लिए ये मेरे लिए एक और नौकरी का अवसर है और क्या कारण हो सकता है।